हेलो व्यूअर्स क्या हाल चाल हैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे अल्ला अच्छा जी दोस्तों बात ये कि आज आज आपके साथ मैंने एक छोटी सी वीडियो शेयर करनी है अपने घर की तो घर में भी एक छोटा सा घर है हमारा बस जिसमें रहते हैं तो सोचा आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँ तो साथ साथ आपने अपने भी तसरात जो है मुझे बताने हैं और साथ में आपने ये भी बताना है कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ डेली रूटीन की होती हैं और चंद बातें और भी हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है तो पहले मैं ज़रा आपको अपना कमरा दिखा देता हूँ कुछ अच्छा तो नहीं है लेकिन जहाँ तक आप दोस्त देख पाएँ तो बताना मुझे आ जाएं जी जी चले मैं आपको अपना कमरा में दिखाता हूँ तो so, ये जी मेरा बेड है ठीक है जी ये बेड आपको नज़र आ रहा है मेरा और ये है साथ में कंप्यूटर टीवी देखते जाएं कुछ अंधेरा होगा शायद आपको सही सा नज़र ना आ रहा हो अच्छा जी कोशिश तो करता हूँ कि कुछ अच्छा दिखाने की कि कुछ अच्छा दिखा दें दोस्तों को मालूम नहीं क्या आप वीडियो कैसे बन रही होगी अच्छा जाना ये हूँ मैं जी जी दोस्तों तो आपने कमरा देख लिया आ, बात ये है कि कल की वीडियो में भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था पता नहीं कल की वीडियो थी कि परसों की वीडियो थी आ, कुछ मैंने बातें की थी कि ग़रीब लोगों के लिए कि जो आपके आसपास पड़ोस में रहते हैं उसमें चूंकि आवाज़ का बड़ा मसला था इशू पैदा हो रहा था उस वीडियो में आवाज़ जो है मेरी बहुत स्लो आ रही थी बहल स्लो थी बहुत तो कभी कभी सोच रहा हूँ उसको मैं डिलीट कर दूँ तो मैंने कहा कि चलें दूसरी वीडियो बना देता हूँ छोटा सा एक व्लॉग है घर का तो उसमें मैंने ये बातें आपसे की थी कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके आसपास पड़ोस में जो है गरीब गरबा लोग जो हैं वो रहते हैं नादार जो बेवा होती है उते हैं औरतें उनके बच्चे होते हैं जो मकान उनका किराए का होता है कच्चा मकान होता है और चूँकि हमारा भी देहाती है उस दिन आपने वीडियो ब्लॉग में देखा भी होगा छोटा सा गांव है हमारा तो अभी मैंने कुछ चेंजेस की हैं अपनी वीडियो में आ, कुछ नया व्लॉग वगैरह नातों के साथ साथ जो है वो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो आपके जो मैं बात ये कर रहा था कि पड़ोस में जो भी ऐसे लोग रहते हैं कि जो नादार होते हैं और ख़रीदने की शक्क़त चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि सफ़ेद पोच तबका जो है वो तो मांगने से शर्माता है मजबूर हो गया बहुत ज़्यादा यानी वो जो एक तो होते हैं ना आदि होते हैं बेकारी बस यानी दूसरों का भी हक मारते हैं बस मख्तल किस्म के आपने बाज़ारों में देखा होगा कि टांग टूटी हुई है जान बूझ के जो है या हाथ पाँव आँखें वगैरह टेढ़ी कर लेते हैं और पैसे मांगते हैं बाज़ारों में मार्किटों में गलियों में अक्सर मैंने देखा है और आपने भी शायद देखा हो नोट किया हो तो वो असल में प्रोफेशनल होते हैं वो तो हमें उनसे बचना चाहिए उन लोगों को तो मैं तो कम से कम उनको नहीं देखता जब तक मैं उनकी उनको उनकी हेल्प नहीं करता जो प्रोफेशनल बेकारी होते हैं अगर आप देंगे तो एक सौ उनकी हौसला अफजाई होगी आ, वो रोज़ मांगेंगे वो आपसे और जो ज़्यादा हक़दार है आप समझ गए जो ज़्यादा हक़दार हैं उन तक जो है वो आ, पैसे आपके उनकी हेल्प नहीं होगी और वो मजबूर होंगे फिर तो हमने उनका भी यानी जो एक इज़्ज़त नफ्स होती है उनको मजरू नहीं करना और कुछ बिना बग़ैर उनके मांगे आपने उनकी हेल्प करनी है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास पड़ोस में जो है ज़रूरी नहीं है कि आसपास पड़ोस में भी अगर ठीक ठाक हैं जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं शायद आपके पड़ोस में ना हो दूसरी जगह पे हो आपकी जान पहचान में हो तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद चैनल बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं उन लोगों की भी हेल्प करूँ अब मेरा छोटा सा घर है तो अभी मैंने दरवाज़ा भी बंद किया हुआ है आप देख सकते हैं तो कहने का मकसद ये है कि बात हो रही थी वीडियो के साथ साथ गरीब लोगों की तो क्योंकि इंसान होता है ना यानी मेरे ऊपर बहुत गुजरी है ये मैं गुजरा हूँ इन हालात से और पता होता है इंसान को कि जिस रास्तों से वो गुज़र के आया होता है तो जो जो रास्ते में तकला, तक तकलीफ़ होती हैं तकलीफ़ें गुजरती हैं मुश्किल परेशानियाँ मुसीबतें उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होता है उस चीज़ का और वो सोच सकता है समझ सकता है उसको एहसास होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ हेल्प मैं करता हूँ लेकिन अब दिखावे के लिए नहीं होती लेकिन कुछ चीज़ें अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो उजागर करूँ कि वो मैं उजागर करूं और अपने चैनल के तवस से उन लोगों की मैं जो सफ़ेद पोश तबका है इस महंगाई में आ, आप सबको मालूम है कि महंगाई जो है यानी दो वक्त की रोटी जो है गरीब बंदा अपने बच्चों के लिए एक मज़दूर जो है वो पूरे अफोर्ड नहीं कर सकता वो ख़रीद नहीं सकता उसके अंदर कुत ताकत कुत मुदाफ़ियत जो है उसकी कुवत खरीद जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है वो नहीं खरीद सकता वो मजबूर हो गया तो ऐसी जगहों पे जहाँ सुबह सवेरे मज़दूर बैठे होते हैं दिहाड़ी के लिए और कि कोई आएगा और उसे उठा के ले जाएगा और वो बेचारा वहाँ मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों के लिए दो की रोटी जो है वो लेकर जाए जाए वो बच्चे भी उसके घर में इस इंतज़ार में सोच रहते हैं खुश होते हैं कि आज अबा जा रहे हैं बाबा जानी जा रहे हैं शाम को आएंगे तो हमारे लिए जो है वो आँ... बच्चों के जहन में तो बहुत से यानी ख्याल आते हैं कि फ्रूट लाएंगे वगैरह वगैरह लेकिन फ्रूट तो दूर की बात है कहने का मकसद ये कि हम जो दो वक्त की रोटी है वो बेचारा जो है आठ सौ नौ सौ रुपये दिहाड़ी होती है उसकी तो आठ नौ सौ दिहाड़ी में जो है वो क्या लाएगा वो तो यानी खुला आटा लेकर आएगा दो तीन किलो आटा लाएगा सब्ज़ी भी साथ में लाएगा तो फिर ये बिल हो गए ऊपर से गैस के बिजली के घर का किराया मकान का किराया जो है यानी बहुत अजीब सी यानी कैफियत से वो गुज़रता है ज़हनी कोफ्त होती है और इसी तरह जो है ना बाज़ लोग बुराइयों की तरफ चोरी डकैती की तरफ मजबूर के आते हैं जिससे जो है माशरे में बुराई फैलती है और यानी कत्ल वारत भी शुरू हो जाती है वारदातें करते हैं लोग मजबूरा और उसमें जो है जो दूसरा जिससे कोई भी चीज़ यानी अक्सर ज़्यादातर आजकल मोबाइल स्नैचिंग हो रही है तो वो नहीं देते हैं तो जिनसे वो जो वारदात करने वाला होता है वो ये भी नहीं देखता उसके पास पिस्टल होती है तो वो गोली भी चला देता है अब जाहिर है कि यानी एक पूरा घर उजड़ गया एक जो कमाने वाला था तो उनसे बचने के लिए जो है हमें हेल्प की ज़रूरत है कि इससे पहले कि वो इस किस्म का कोई स्टेप उठाए क़दम उठाए तो हमें चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें अल्लाह सब को बचाए अपने अमान में रखे इन किस्म के कामों से और कोशिश करें आप कि अल्लाह ने आपको जितना भी दिए हैं ना ये इनमें परिंदों का भी हक है जानवरों का भी उसमें इतना ही हक है और इंसानों का तो बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि ये तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम जानदारों में जो इंसान है ये अशरफुलमखलूक़ात है अखलक यानी एक किस्म का ना मतलब हमें अकल दी है इसी वजह से बरतरी फोकियत हमें हासिल है बाकी जो मखलूक हैं तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाजमी ताकि मेरी भी हौसला अफजाई है वो हो सके और मैं वीडियो और अच्छी बना सकूं आ, कोशिश तो यही है मेरी कि कोशिश जारी रखें दुआएं आपने मुझे लाजमी देनी है लाजमी करनी है अपने दुआ में याद रखना है तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता कि आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबतों बीमारियों परेशानियों से दूर अता फ़रमाएँ अमीन और सबके लिए जाते जाते ढेरों दुआएँ जहाँ रहें खुश रहें वाल और उम्मीद करता हूँ एक बात अच्छा और भी याद आ गई कि इंसान तो पैदा ही यानी इबादत के लिए हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इबादत अगर हम अल्लाह की मखलूक की करें तो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अल्लाह हमारी नमाजों का नमा अल्लाह ताला जो है मोहताज नहीं है किसी किस्म का वो बेनियाज है और वो देने वाला है बातें तो दिल में बहुत हैं करने के लिए लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि दोस्त जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे व्यूज़ वी वीडियो पूरी नहीं देख पाएंगे पता नहीं न जाने कितने लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपसे याद चाहता हूँ दो में याद रखिएगा अलैक